मेरा नाम प्रत्युष केसरी है। मेरा जेई मेंस और जेई एडवांस में मतलब वो क्वालिफाई हुआ अच्छे मार्क्स से। जेई मेंस में मेरे 99.61% आए थे और जेई एडवांस का भी कल रिजल्ट आया था, उसमें मेरी 2835 रैंक है। मैं इसके लिए अपने मम्मी पापा और वो क्या कहते हैं कोचिंग के सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उन्होंने पूरे उसमें मेरी हेल्प की और इतना अच्छा रिजल्ट आने की। सर मैंने वाइब्रेंट क्लासेस से पढ़ाई की थी, 10th से मैं यहाँ पे हूँ। 10th में भी एक एग्ज़ाम था NTSC, उसमें भी मेरा अच्छे मतलब रैंक 10 आई थी स्टेट लेवल पर। और फिर उसके बाद अभी जेई मेंस और एडवांस में भी अच्छा रैंक है। सर इंटर SN पब्लिक स्कूल में से पढ़ा। सर मैं मतलब कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। मैं 7 to 8 hours पढ़ता था लेकिन अच्छे से पढ़ता था। लोग क्या सोचते हैं कि मतलब 12-13 घंटे पढ़ना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप रोज़ 7-8 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो उससे आपका निकल सकता है। आपको क्या मतलब क्वेश्चन लगाने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसी पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं और कई बार रिपीट भी होते हैं। मुझे IIT बॉम्बे चाहिए थी, मुझे मिल रही है वो। मुझे बचपन से मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था और फिर उसके बाद मुझे टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी इंटरेस्ट था, मतलब वो सब मशीन कैसे काम वाम करती हैं, इसलिए मुझे मतलब वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मुझे मतलब IIT बॉम्बे मैकेनिकल ही चाहिए था और मुझे जिस रैंक में है उस हिसाब से मुझे मिल रहा है वो चीज़। मैं रश्मि गुप्ता हूँ, प्रत्युष केसरी की माँ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा बेटा JEE एडवांस क्वालिफाई किया है। मुझे अपने बेटे पे बहुत ज़्यादा प्राउड है। मैंने दो बच्चों को अपने कभी भी पढ़ाया नहीं, इसने सिर्फ सेल्फ स्टडी की हुई है और ये शुरू से ही पढ़ाई को लेकर बहुत एक्टिव था। प्रत्युष केसरी का पिताजी हूँ और सर यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छा चलता है, वाइब्रेंट कोचिंग। शुरू से सभी जितने यहाँ पे सर हैं, जितने फैकल्टी हैं, सबको ऑपरेट करते हैं। कोई भी अगर डाउट होता है तो पूछते हैं तो कोई मना नहीं करता है। जितनी बार आपको डाउट हो सब क्लियर हो जाता है। बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये समझ लीजिए कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि आई है। हर्ष सर, और मेरा JEE मेंस में 91.6% आया है और इसके लिए मैं वाइब्रेंट की कोचिंग अपने मम्मी पापा को थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो वाइब्रेंट के टीचर्स फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स सर सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। अगर इनकी पूरी मतलब जो इनकी डायरेक्शन अगर फॉलो करेंगे तो JEE मेंस तो आराम से निकल सकता है और एडवांस के लिए थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो एडवांस में निकल जाए। कोचिंग के बाद सेल्फ स्टडी 5-6 घंटा करता था, कोशिश करता था कि 8 घंटा हो जाए, लेकिन पूरा प्रोडक्टिव कम से कम 6-5 घंटे। नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक कुमार है। मैं वाइब्रेंट क्लासेस मिर्ज़ापुर में पढ़ता था, JEE मेन की कोचिंग का था। मैंने वाइब्रेंट क्लासेस से JEE मेन में अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हुआ हूँ। मैं NIT के लिए भी एलिजिबल हूँ और सबसे बड़ा थैंक्स मैं देना चाहूँगा हमारे डायरेक्टर अजय सर को। इन्होंने कई जगह मुझे डायरेक्ट दिया, मुझे बहुत सब एक्साइटिंग होती थी, मैं इन्हीं से बात करता था। इन्हीं की बदौलत आज मैं जो हूँ आपसे बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ा थैंक्स है जो मैं इनको देना चाहूँगा। और मेरे JEE मेंस में 89.45% आए हैं और मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत हेल्प की। बच्चों को मतलब कि बाहर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं, हर बच्चा मतलब कोटा भेजता है, दिल्ली भेजता है पढ़ने के लिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो चाहे तो किसी भी शहर में हो अपना मतलब वहीं से तैयारी कर सकता है अच्छे तरीके से। यहाँ पे अच्छे सर हैं, अब फैकल्टी भी अच्छी है और यहाँ के जो फाउंडर हैं अजय सर से, वो बहुत ही मतलब वो बच्चों के प्रति मेहनत भी करते हैं सुन सुनकर। और मैं तो तैयारी किया हूँ ये वाइब्रेंट से, सारा क्रेडिट अजय सर पे आता है जो हमारे डायरेक्टर सर हैं। तो सर मुझे मोटिवेट करते थे और इन्हीं की वजह से मेरा JEE मेंस में अच्छा रिजल्ट आया और मुझे जो NIT चाहिए उसमें हमारा एडमिशन मिल जाएगा। नमस्कार, TV100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। जनपद मिर्जापुर इन दिनों शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग भी जगा चुका है और एक पहचान भी बना चुका है। वाइब्रेंट क्लास के बारे में अगर चर्चा की जाए तो निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित करता वाइब्रेंट क्लास आज सभी की जुबान पर है। फिलहाल आपको बता दें कि जनपद मिर्जापुर के वो तमाम प्रतिभाशाली छात्र, चाहे सामान्य छात्र हो या उनके परिजन हो, आज जबरदस्त हर्षित और गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि निरंतर बेहतर परिणाम लाने के बाद सभी की जुबान पर वाइब्रेंट क्लास आ चुका है। कुछ दिन पूर्व जिस तरीके से मेडिकल के छात्रों ने अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और आज पुनः वो अवसर हम लोग सभी के सामने है, जिसमें इंजीनियर्स के भी तमाम छात्र आज सफल होने के बाद मीडिया के सामने आज उन्होंने अपने वक्तव्य रखे। फिलहाल बहुत बड़ा अचीवमेंट के रूप में लोग देख रहे हैं। सर आपका बहुत स्वागत है। अजय जी, निरंतर आपके जो क्लासेज हैं वो अनवरत नवरत्न जो है समाज को दे रहे हैं। आज पुनः इंजीनियर्स काफ़ी आपने दिया, लगभग 6 छात्र इंजीनियरिंग में सफल हुए हैं, कैसे देखते हैं इसको, इस सफलता को? धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं सर कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के यहां पे हमारे संस्थान को टाइम दिया। और मैं मिर्ज़ापुर न्यूज़ के सभी दर्शकों और तमाम शहरवासियों को और साथ ही साथ मिर्ज़ापुर के सभी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि यहाँ के वाइब्रेंट क्लासेस में अध्ययनरत छात्र, जो कि 6 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, उन्होंने पूरे मिर्ज़ापुर शहर के साथ साथ हमारी क्लासेस को और अपने माता पिता का पूरे
देश भर में नाम रोशन किया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि शहर ये हमारे मिर्जापुर को बड़ा ही शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा ही कमजोर माना जाता था, बट ऐसे छात्रों के निकलने की वजह से पूरे मिर्जापुर शहरवासियों के एक नई उमंग लेकर आएगा, जिसमें हमारे जो छात्र हैं प्रत्युष केसरी IIT JEE एडवांस क्रैक करके 2835 रैंक लाया, जो कि अपने आप में एक नया कीर्तिमान है और एक ऐतिहासिक रिजल्ट है। क्योंकि इस संदर्भ में आपको ये समझना होगा कि मिर्जापुर में रह के क्लास 10वीं 11वीं 12वीं 3 साल के फाउंडेशन कोर्स में इन्होंने 12वीं में रहते हुए पूरे जनपद का नाम रोशन किया। 2835 रैंक जनरल रैंक है इनका और जनरल EWS रैंक इनका 295 है। और आपको ये मैं बहुत ही भरोसे के साथ और बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूँ कि इनका एडमिशन IIT कानपुर, IIT दिल्ली या फिर IIT मुंबई जैसे प्रीमियम संस्थान में आराम से हो जाएगा। मेरा नाम बबुल्ले सोनकर है, मैं सिंचाई विभाग प्रधान सहायक पद पर कार्यरत हूँ। मेरा बेटा यहाँ से JEE मेंस पे क्वालिफाई किया है, CM सोनकर नाम है। और इस कोचिंग को मैं सबसे बड़ा इस कोचिंग वाइब्रेंट को और उनके पूरे कमेटी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे बेटे को इस लायक बनाया कि जिले का नाम भी रोशन किया और मेरा भी मान सम्मान बढ़ाया। आज मैं यहाँ जो हूँ वो वाइब्रेंट के प्रयास की वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि चलिए कम से कम मुझे बच्चे को काबिल तो बनाया। हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत बड़ी सफलता मिली, जो उम्मीद सोचा था मैं कहीं उससे ज़्यादा उसका बेनिफिट मुझे मिला। मैं वाइब्रेंट को आभार व्यक्त करता हूँ। बाकी जो 5 बच्चे हैं उनका भी शानदार एफर्ट लगा कि उन्होंने एक नए इतिहास को रचा है, जिसका उनका सिलेक्शन का जो भी मापदंड है उसको क्वालिफाई करके JEE मेन में NIT में प्रमुख संस्थानों में जरूर दाखिला मिलेगा इनको। सर कुछ तो ऐसे भी छात्र मिले जो जिनके सगे भाई भी आपके ही क्लास से अध्ययनरत रहे और एक अच्छी उपलब्धि हासिल की, इंजीनियरिंग में भी वो अपने एक जगह बना चुके हैं। ये जो तैयारी होती है ये लोग पहले भरोसा नहीं कर पाते थे, लोग कहते थे कि बाहर ही बड़े शहरों में भी शिक्षा प्राप्त होती है लोगों को। आप लक्ष्य बेस जो शिक्षा बच्चों को देते हैं ये कैसे निर्धारित करते हैं? देखिए सर, मैं इसमें एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि मिर्जापुर में तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि पहले भी बोर्ड में बहुत ही शानदार सफलता प्राप्त करते थे, बट अभाव क्या था? अभाव ये था कि वो कंपटीशन बीट नहीं कर पाते थे। और उस कंपटीशन को बीट करने के लिए हमारे जैसे संस्थान की यहाँ पे मिर्जापुर में बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता थी, और इस संस्थान के आने से वो बोर्ड्स के साथ साथ बच्चे कंपटीशन भी बीट करना स्टार्ट कर दिए। पहले वर्ष में हमारे यहाँ से जो छात्र जिनका आपने नाम लिया उनके बड़े भाई पहले ही वर्ष में आजमगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिए थे। और तमाम ऐसे छात्र हैं और दर्जनों छात्र हैं जो NIT और तमाम देश के विभिन्न प्रीमियम इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले चुके हैं। और इस बात को धीरे धीरे शहरवासी भी समझने लगे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो थोड़ा बहुत भी अभाव था यहाँ पे वो लगभग अब सूखा खत्म हो जाएगा। और मैं सभी मिर्जापुर वासियों से ये आग्रह करता हूँ कि एक बार कृपया अपने बच्चों को क्लास 8वीं से 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जिस भी क्लास में अध्ययनरत हो जरूर वाइब्रेंट क्लासेस मिर्जापुर में आए, अपना 1-2 साल 3 साल जितना भी जिसके पास टाइम बचाओ जरूर दें। और मैं निश्चित ये पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि उनके अंदर एक बदलाव की क्रांति जरूर महसूस कर पाएंगे आप सभी। मेरा छोटा बच्चा है ऋतिक, और वाइब्रेंट क्लास के सहयोग से मैं उनका आभारी रहूँगा, जीवन भर आभारी रहूँगा इनके मार्गदर्शन के लिए, क्योंकि JEE एडवांस निकालना इतना आसान नहीं है। बच्चे रात दिन हिम्मत करके मेहनत किए हैं और अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा। मेरा बड़ा लगा है ये भी यहीं पर पढ़ा है पहले बैच में, ये भी मेहनत किया, सर भी मेहनत किए हैं। और बड़ा बेटा इस पर मतलब इंजीनियरिंग कर रहा है, IT इंजीनियरिंग कर रहा है, और इन्हीं के मार्गदर्शन से JEE मेंस निकाला था ये भी, और निकला छोटा वाला कोचिंग यही वाइब्रेंट क्लास से किया था। हाँ पहले बैच का है ये लड़का, और ये छोटा वाला अभी इस बैच में निकाल रहा है, ये भी बढ़िया रैंक आया है, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, IIT वगैरह मिल जाएगा। मेरे दोनों बच्चे वाइब्रेंट पे कोचिंग से पढ़े हैं, और शुरू में तो मान लीजिए थोड़ी दिक्कत थी, लॉकडाउन वगैरह था, लेकिन फिर भी अजय सर ने बहुत मेहनत किया है इन लोगों के ऊपर। UP बोर्ड के बच्चे थे, बाद में CBSE बोर्ड में डाले इंटर से, ताकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बढ़िया सा पढ़ सकें, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला है JEE मेंस में। JEE मेंस थोड़ा एडवांस चाहिए, अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत होती है, और मिर्जापुर में इनसे बढ़िया कोचिंग शायद कोई है ही नहीं इनके अलावा। मेरा नाम ओम कुमार है, बड़े बेटे का नाम हर्ष कुमार है, छोटे बेटे का नाम ऋतिक कुमार है। सर जिस तरीके से आपके टीचर्स के द्वारा, फैकल्टी के द्वारा, आपके द्वारा निरंतर छात्रों को एक नई ख्याति उपलब्ध कराई है, जो बच्चे सफल हो रहे हैं, तमाम ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनको ये पता नहीं होता कि वो इंटर के बाद क्या करें या वो अपना कैरियर कैसे डिसाइड करें, ऐसे छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
ऐसे छात्रों को मैं यही कहना चाहूँगा, और छात्रों से पहले उनके पेरेंट्स को, क्योंकि देखिए 2010 में जब संस्थाएं तैयारी करवाती थी तो सारे छात्र 11वीं और 12वीं से फाउंडेशन कोर्स में इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए तैयारी करते थे, बट आज के ज़माने में कंपटीशन का लेवल इतना ज़्यादा हो चुका है कि बच्चे क्लास 6-7 से फाउंडेशन कोर्स करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे छात्र जिनका 12th ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि एक आध साल जो ड्रॉप लेना चाहते हैं जरूर अपने आप को टाइम दें और अपने अंदर के टैलेंट को पहचाने और हमारे संस्थान में आकर एडमिशन ले। और अगर आपको लगता है कि मिर्ज़ापुर में रह के अगर आप सबसे बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग उसमें और चार चांद लगाने की कोशिश करेंगे। आपके द्वारा पढ़ाए गए 6 बच्चों ने आज इंजीनियरिंग में प्रवेश लेने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा अचीवमेंट है ये बच्चे देश के लिए क्या करेंगे? अपने माता पिता या परिजनों का तो नाम रोशन कर ही रहे हैं, देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आपके 6 बच्चे जो आज जो है जिनका परिणाम आया? मुझे जो लगता है सर, यही सारे बच्चे हैं, बच्चे छोटे जब होते हैं, जब इनकी एकदम मान के चलिए जब इनको सींचा जाता है, तो ये बड़े होके किसी न किसी महान कार्य को संपन्न करते हैं अपने जीवन के 40 वर्ष में या 45 वर्ष में। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जितने भी इंजीनियर्स जो अच्छे कोचिंग अच्छे संस्थानों से निकलते हैं, कोई गूगल का CEO बनता है, कोई ट्विटर का CEO बनता है, वो सब कौन से छात्र हो? वो यही देश में पढ़ के विदेशों की बड़ी बड़ी कंपनियां उनको हायर करती है, और IIT और NIT के बच्चों को ही बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है बड़ी बड़ी कंपनियों में। और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ के जो 6 छात्र इंजीनियरिंग में दाखिला लिए और 3 जो मेडिकल में छात्र चुने गए हैं इस वर्ष, ये सभी के सभी अपने अपने जीवन में किसी न किसी बहुत बड़े पोस्ट पे जाके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे और अपने साथ साथ अपने जिले का नाम रोशन करेंगे, साथ साथ अपने माता पिता का भी नाम रोशन करेंगे। अजय जी, जो 6 छात्र ने आज जो सफलता का एक परचम लहराया है, जिले का नाम रोशन किया है, तमाम लोग गौरवान्वित हैं, हर्षित हैं, आपको भी हमारे चैनल की तरफ से ढेरों बधाइयाँ कि आपने एक बेहतर परिणाम लाया है। छात्रों के परिणाम के अलावा जब टीचर्स का भी एक तरीके से परिणाम आता है, समूचा समाज देखता है कि अगर छात्र सफल हो रहा है तो उसके पीछे गुरुजनों का हाथ होता है। 6 छात्र अब आपके मुताबिक कहाँ एडमिशन लेंगे और 6 का जरा सा विस्तृत जानकारी भी हमारे दर्शकों को उपलब्ध कराइए। तो पहले कैंडिडेट हमारे प्रत्यूष केसरी हैं, जिन्होंने JEE मेन में 99.61% से पूरे इंडिया में 4,537 रैंक लाए। उसके बाद वो एडवांस के लिए एलिजिबल हुए, एडवांस में 2,835 रैंक ला के देश के प्रतिष्ठित IIT कॉलेज में वो एडमिशन लेंगे। बाकी बचे 5 छात्र जिसमें हर्ष विश्वकर्मा है, 92% के करीब उनका मार्क्स आया है, वो भी एक अच्छी NIT में जाके एडमिशन लेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे प्रीशा गुप्ता नाम की एक बच्ची है जो आज यहाँ पे मौजूद नहीं हो पाई किसी भी कारणवश। उसके बाद ऋतिक नाम का बच्चा है जो 89.6 ला के पूरे प्रदेश भर में पूरे जिले के नाम रोशन किया, और वो भी सारे छात्र NIT में जरूर दाखिला पाएंगे। उसके बाद शिवम और सौरभ राठौर, ये 2 बच्चे भी जाके किसी न किसी NIT में अपने शहर, अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपने हमसे समय निकाल के बातचीत किया। तो हमारे साथ जनपद मिर्ज़ापुर के अति प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में नाम जमा चुके वाइब्रेंट क्लास के डायरेक्टर अजय जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर यह मानना था कि 3 डॉक्टर्स और 6 इंजीनियर का बेहतर परिणाम आने के बाद न सिर्फ कोचिंग का हौसला बुलंद हुआ है, बल्कि छात्रों के अंदर भी एक जबरदस्त प्रतिस्पर्धा की स्थिति उत्पन्न होगी, और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के चलते जनपद मिर्ज़ापुर में शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर और अनुकूल माहौल तैयार हो चुका है। मिर्ज़ापुर से TV100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।